एवरीवन वेलकम टू करण क्रांत स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा हिस्ट्री का लेक्चर नंबर थर्ड ठीक है तो मैं कोशिश करूंगी कर आपका जीके के जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए क्योंकि काफी डिटेल सिलेबस है इसका तो आपको काफी सोच समझ के कवर करना होगा ज्यादा डिटेल्स में भी नहीं जाना है और एटलीस्ट उतना आपको पढ़ना है कि आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए ठीक है तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पहले मैं उनके लिए बता दूं मैं अपने चैनल पे कोर्सेज लेके आती कोर्स एस बी के सुपरवाइजर एग्जाम वाले तो उसका जो स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है ठीक है करंटली हमारी उसमें मैराथन कम रिविजन सीरीज चल रही है एंड एमसीक्यू सीरीज जो है वो भी मैं जल्दी लेके आऊंगी और उसका जो यूनिट सिक्स है आपका स्कीम्स वाला पार्ट वो मैंने उसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड किया है ठीक है तो उसकी लिंक जो है आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख के मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एंड अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड सोशोलॉजी आपका ऑप्शनल है तो भी चैनल आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि मैं उसमें करंटली आपके नितिन सांगवान सर की जो बुक है वो कंप्लीट करवा रही हूँ पेपर ए हमारा यूपीएससी सोशोलॉजी का कवर हो गया है एंड पेपर बी हमारा ऑलमोस्ट जो है वो कवर होने वाला है ठीक है तो इन सब के लिए आपको क्या करना होगा इफ़ यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दीज थिंग्स तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मुझे कॉमेंट्स से बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं एंड अगर आपको मेरी चैनल पसंद आती है आप सुपर थैंक्स भेज सकते हैं या आप वॉलेंटरली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मेरी चैनल की तरफ तो आपको मेरा यू पी कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा या आप इसको मेरी चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया है जिसकी सेपरेट प्ले आपको मिल जाएगी मेरी चैनल पे एंड करंटली हम हिस्ट्री uh, वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं ठीक है तो हिस्ट्री में आपको सिलेबस में गिवन है इंडियन हिस्ट्री एंड देन कल्चर हेरिटेज एंड योर फ्रीडम मूवमेंट ठीक है इंडियन हिस्ट्री में मैं आपको बताऊँगी वो डिविजन कैसे करेंगे एंशियट मीडिवल मॉडर्न वाला एंड कल्चर हेरिटेज में हमें आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा बहुत पढ़ना है एंड देन योर फ्रीडम मूवमेंट ठीक है तो मैंने फ्रीडम मूवमेंट से स्टार्ट किया फ्रीडम मूवमेंट हम करेंटली डिस्कस कर रहे हैं फ्रीडम मूवमेंट से स्टार्ट करने का रीज़न यही था क्योंकि ये चीज़ें मोस्टली आई थिंक एटलीस्ट फिफ्टी सिक्सटी परसेंट स्टूडेंट्स को हल्की बहुत थोड़ी बहुत याद होंगी हल्की सी क्योंकि स्कूल्स में हमने ये चीजें पढ़ी है एट्थ टेंथ स्टैंडर्ड में हमने ये सारी चीजें पढ़ी होती हैं फाइन एंड अगर आप मैं डायरेक्टली आपको एंशंट से स्टार्ट करती तो चांसेस हैं कि आप काफी बोर हो जाते हैं क्योंकि एंशंट हिस्ट्री एज पर माई एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को पढ़ने में काफी बोरिंग लगता है फाइन तो हम स्टार्ट लेकिन पढ़ना वो भी है हमें डोंट वरी अब मैं ये चीजें क्यों बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रही होती हूँ ऑन एन कॉमेंट्स आते हैं कि मैम वो भी पढ़ाओ वो भी पढ़ाओ मैं पढ़ाऊंगी सारा डोंट वरी आप पैनिक नहीं करो बिकॉज जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस जैसे मैं पढ़ा रही हूँ जस्ट बी

जो पिग या फैट से उसको ग्रीस किया गया था कार्ट्रिज को ठीक है वो इसका एक ट्रिगर पॉइंट बना था एंड इस वॉर को अलग अलग स्कॉलर्स ने जो है अलग चीजें कही थी हमारे लिए ये देखना है कि ने इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ठीक है तो इसके बाद रिवॉल्ट ऑफ 1857 आ गया था इसके बाद आपका एक्ट ऑफ 1858 आया था इस रिवॉल्ट के बाद तो मैंने आपको कहा इसे इस एक्ट से पहले क्या था आपका जो इंडिया था वो किसके हाथ में था वो कंपनी रूल उसको बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी सेवनटीन हंड्रेड में ट्रेड करने के लिए स्पाइस ट्रेड स्पेसिफिकली ठीक है फिर यहाँ पे वो आए थे एंड देन वो यहीं पे रह गए थे वो यहाँ पे आके उन्होंने पहले अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फिर आहिस्ता आहिस्ता कमर्शियल स्टैंड पॉलिटिकल स्टैंड जो है वो स्ट्रॉन्ग किया फैक्ट्री सेटअप की पहले मुगल से परमिशन वगैरह लेके और आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रेजुअली यहाँ पे उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया यहाँ से रॉ मटेरियल्स वगैरह लेके जाते थे एंड वो अपनी कंट्री में जाके उनको क्या करते थे रॉ मटेरियल्स को एक प्रोसेस्ड गुड बनाते थे वहां से चीजें मैन्युफैक्चर करते थे एंड उन चीजों को वापस इंडिया में लेके आते थे और महंगी बेचते थे तो ये उनका बेसिक था करने का काम कि वो करते क्या थे ऐसे करके उन्होंने क्या किया था जो जीडीपी थी इंडिया की इतनी हाई थी और इंडिया इकोनॉमिकली इतना पावरफुल था तो उसको उन्होंने कंप्लीटली ड्रेन किया था तो ये ब्रिटिशर्स का एक्सप्लॉयट करने का मेन फंडा था वो करते कैसे थे तब बोला जाता है 1700 से उसको 1858 तक अंडर कंपनी रूल था क्योंकि जो यहाँ पे कंपनी आई थी स्पाइस ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी वो एक प्राइवेट कंपनी थी ठीक है लेकिन हुआ क्या 1857 के एक्ट के बाद 1857 रिवॉल्ट के बाद जब 1858 एक्ट आया इसको इंडिया को किसके अंडर रखा गया क्राउन रूल के अंडर दैट मीन अब कौन रूल करेगी आपकी क्वीन ठीक है ब्रिटिश क्वीन जो थी वो रूल करती है अब इंडिया को ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब देखो यहाँ पे काफी यूरोपियन पावर्स आए थे इंडिया में एक तो आपके पोर्टुगीज आए डच आए ठीक है आपके ब्रिटिशर्स आए फ्रेंच आए फाइन लेकिन वजह क्या थी कि ब्रिटिशर्स सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे उनके सक्सेसफुल रहने की वजह यही थी क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्राइवेट थी और उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत कम थी बिल्कुल नहीं थी इसीलिए वो अपनी मनमानी यहाँ पे कर सके थे और बिजनेस पर्सपेक्टिव से वो अच्छा खुद को यहाँ पे जमा के फिर बाद में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिवली खुद को एक्सपैंड कर पाए और यही रीज़न था बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो यहाँ आई थी जैसे आपके ये आए थे पोर्टुगीज आए थे डच आए थे फ्रेंच आए थे ये इतने सक्सेसफुल नहीं रहे थे क्योंकि जो उनकी कंपनीज यहाँ पे आई थी इन कंट्रीज की उनको गवर्नमेंट वहां की कंट्रोल करती थी गवर्नमेंट इंटरफेयर करती थी लेकिन ब्रिटिशर्स को खुला छोड़ा हुआ था लेकिन फिर जब रिवॉल्ट हुआ एटीन तो थोड़ा ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं हमें इतना खुला नहीं छोड़ना ईस्ट इंडिया कंपनी को तो क्वीन ने अपने, अपने अंडर उसका पावर ले लिया एंड और एक रीज़न भी क्या था क्वीन का पावर लेने का कि वहां के जो बाकी बिजनेसमैन थे वो थोड़ा आप जेलस फील होने लगे थे ईस्ट इंडिया कंपनी से क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी काफी ज़्यादा प्रॉफिट में थी तो वहां के पार्लियामेंट में भी ये बातें होती थी कि आपने ईस्ट इंडिया कंपनी को खुला छोड़ा हुआ एंड ऑल दैट क्योंकि उनको लगता था कि जो भी वहां जाता है वहां से ऐसा क्या होता है इंडिया में इतना अमीर बन के आ रहे हैं तो बेसिकली यही था कि उनको भी वहां जेलस फील होता था वहां की कंपनीज को कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतना प्रॉफिट में क्यों है तो वहां के पार्लियामेंट में भी ये सवाल उठते थे उसके बाद ये रिवॉल्ट हुआ 1857 का तो फाइनली क्वीन को लगा कि नहीं मुझे अपने हाथों में इंडिया को लेना है एंड एटीन ऑनवर्ड्स इसको क्राउन रूल बोला जाता है 1850, uh, 1700 1858 1858 कंपनी रूल रूल और के बाद क्राउन ठीक है ये याद रख लेना थोड़ा बहुत बेसिक है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फाइन तो ये हमने पहले बड़ा, 1858 का रिवॉल्ट हुआ फिर हमने देखा कुछ प्री रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी कांग्रेस से पहले हमने वो उनका देखा फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स देखे थे कांग्रेस से पहले जो लाए थे गवर्नमेंट ने कुछ चीजों को कंट्रोल करने के लिए जैसे आपका आर्म्स एक्ट था वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट था इसके साथ हमने क्या नाम देखे लाया किसने था लाइटन ने इसको रिपील किसने किया था रायपन ने ठीक है आर से रिपील आर से रायपन याद रख लेना फिर हमने और एक प्रेस एक्ट देखा था जो चार्ल्स मेटकैफ ने लाया था वो इंडियंस के हक में था एंड उसको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी बोला जाता है चार्ल्स मेटकैफ को लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस ठीक ये थोड़ी बहुत चीजें हमने देखी फिर मैंने आपको बोला जो आई का फेज था वो एटीन से स्टार्ट हो गया तो एटीन से क्या हुआ 1885 ऑनवर्ड्स हम इस फेज को फिर तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक आपका मॉडरेट्स वाला फेज चला वो दादाजी वाला एक आपका एक्सट्रीमिस्ट वाला फेज चला जो मैंने कहा गर्म खून यंग ब्लड एंड उसके बाद जब हमारे गांधी जी यहाँ पे आए थे जो गांधीन फेज आपका चला था ठीक है ये हमने देखा एटीन टू नाइनटीन ये कंट्रोल कर रहे थे आपके कांग्रेस को फिर 1905 onwards, 1905 से लेकर 1917 तक हम ट्रेस करते हैं वाला जो है वो फिर आपका 1917 से पूरा 1947 तक हम देखते हैं ठीक है एंड मैंने आपको कहा इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें और आई आपका रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म वो दो फेजेस में आया था रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म एक तो आपका है नाइनटीन हंड्रेड एंड यहाँ है नाइनटीन हंड्रेड सेवन टू नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री टू नाइनटीन थर्टी वन ठीक है और मैंने बीच में आपको कहा एक इंपॉर्टेंट और एक मूवमेंट चली थी इसको होम रूल मूवमेंट बोलते हैं होम रूल मूवमेंट वो आपकी थी नाइनटीन सिक्सटीन टू नाइनटीन ठीक है ये रिविजन जो हमने अभी तक किया फिर मॉडरेट्स में मैंने आपको बोला हम अभी मॉडरेट फेज से नाइनटीन फाइव तक हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी नाइनटीन हंड्रेड थ्री में क्या हुआ ये रिविजन मैं सिर्फ आपके लिए करवा रही हूँ अदरवाइज मेरा तो इसमें टाइम ही जा रहा है आपको दोबारा सारा रिवाइज करवाने में पर ये करवाने का रीजन क्या है क्योंकि कुछ बच्चों को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए मैं रिवीजन करवा रही हूँ एंड देन काफी बच्चों के लिए हिस्ट्री जो है एक नया सब्जेक्ट होगा दैट आल्सो आई अंडरस्टैंड जैसे सोशोलॉजी कहीं उनके लिए नया था फाइन वैसे हिस्ट्री भी कही उनके लिए नया होगा तो इसीलिए आपको साथ साथ रिवाइज करवाना पड़ता है क्योंकि रिविजन जो है रिविजन इज द की आई वुड से कि जो पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाता है ठीक है जितना एटलीस्ट लेकिन कवर किया है मेक श्योर sure कि वो आपने बहुत बारी रिवाइज किया हो फाइन तो 1903 में क्या हुआ ब्रिटिशर्स ने कहा हमें क्या करना है हमें बंगाल को पार्टीशन करना है क्योंकि इट इज टू लार्ज टू एडमिनिस्टर लेकिन बेसिकली उनको क्या करना था बंगाल में जो ग्रोइंग फ्रीडम मूवमेंट और यूनिटी थी उसको ब्रेक करना था तो 1905 में तब तक आते आते क्या हुआ था इसमें एक्सट्रीमिस्ट वाले एलिमेंट्स आना शुरू हो गए थे तो 1905 में सेवेंथ अगस्त को 1905 टाउन हॉल में मीटिंग हुई थी कैलकटा में उन्होंने बोला इसमें जो मीटिंग की थी बाइकआउट रेजोल्यूशन पास किया कि हमें बॉइकआउट करेंगे सारे ब्रिटिश चीजों को ठीक है क्योंकि वो अगेंस्ट थे किसके पार्टीशन के तो ये जो मीटिंग थी ये यहाँ से हमारे जो एलिमेंट्स है एक्सट्रीमिस्ट के हम ट्रेस करना शुरू कर देते हैं Fine. और इसमें इन्होंने पहले क्या किया था ठीक है उसके बाद एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है वो ब्रिटिशर्स के वो मॉडरेट्स ने स्टार्ट कर दी थी 1903 में ही बंगाल पार्टीशन के अनाउंसमेंट के बाद एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट चली थी फिर 1900 हंड्रेड एंड uh,

कहा था कि हाँ हम इस पार्टीशन के अगेंस्ट है और बाइकआउट रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था और एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट को सपोर्ट किया था ठीक है और यही आपकी मूवमेंट थी ठीक है तो यहाँ तक हमारा हो गया था अब आगे देखते हैं 1906 में और एक मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी कैलकाटा में ये याद रख लिया मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट सेशन जो है वो आपको याद रखने होंगे एंड इट वाज प्रिजाइडेड बाय दादा भाई नेहरू जी ठीक है तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई थी अगर आप रिकॉल करोगे पुराने लेक्चर मैंने आपको कहा था जो मॉडरेट्स थे इनका स्टार्टिंग से क्या एम था ये बोलते थे कुछ रिफॉर्म्स लेके आओ ठीक है इन्होंने स्वराज अभी तक नहीं कहा था सेल्फ रूल की बात नहीं करते थे इनको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए थे कि हमें थोड़े बहुत रिफॉर्म्स दे दो ठीक है बाद में रूल आप ही करो लेकिन हमें कुछ रिफॉर्म्स दे दो लेकिन इस जो ये इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी नाइनटीन वाले सेशन में अब इनको भी क्या हुआ था वहां पर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स आ गए थे कांग्रेस में फाइन तो ये भी अब ज्यादा रिफॉर्म्स की बात सिर्फ नहीं कर सकते थे तो पहली बार इन्होंने कहा था जो गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है दैट इज स्वराज और सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नमेंट भी इसको बोलते हैं ठीक है तो वर्ड स्वराज जो है पहली बार यहाँ पे मेंशन किया गया था तो स्वराज क्या होता है सेल्फ गवर्नमेंट दैट मींस अभी तक इन्होंने ये नहीं कहा था ब्रिटिशर्स को कि हमें अलग ही कर दो इनका कहना था ठीक है आप रूल करो लेकिन हमें अपनी गवर्नमेंट अपने अंडर दे दो इन्होंने पूरा ये नहीं कहा था कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की थी उसको हम पूर्ण स्वराज बोलते हैं जो काफी बाद में हुआ था अभी इनका यही स्टैंड था कि हमें ठीक है हमें कॉल नहीं रहेंगे आपकी लेकिन हमें अपनी सेल्फ गवर्नमेंट दे दो हमें सेल्फ रूल दे दो ये 1906 में हुआ था तो ये इम्पोर्टेंट कुछ सेशन जो है वो आपको याद रखने होंगे ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी तो एग्जाम में जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आई एन सी डिक्लेयर इट्स एम वो स्वराज इट हैशन तो आपको पता होना चाहिए 1906 में हुआ था फिर अब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमस्ट की आइडियोलॉजी बहुत वैरी करती थी मॉडरेट किस पे बिलीव करते थे उनका मेथड था थ्री पीज वाला रेयर पेटिशन एंड योर पर्सुएशन या प्रोटेस्ट ठीक है वो इनका मेथड था थ्री पीज वाला और जो ये थे आपके एक्सट्रीमिस्ट थे उनकी स्टार्टिंग से ही एक्सट्रीमिस्ट का क्या था बोलना कि उनका एम है स्वराज उनको सेल्फ रूल चाहिए एंड उनकी मेथोडोलॉजी थी पैसिव रेजिस्टेंस दैट बॉयकॉट एंड ऑल एंड उसी को पुश फॉरवर्ड करते हुए सेवेंथ ऑगस्ट को उन्होंने टाउन हॉल में जब मीटिंग हुई थी क्या पास किया था बॉयकॉट रेजोल्यूशन तो आप देख सकते हो अब आप एक्स्ट्रा आपका जो आईएनसी है उस पर किसकी डोमिनेशन आ गई थी 1906 तक आते आते आपके एक्सट्रीमिस्ट की क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट का एम था वही अब गोल ऑफ आईएनसी जो है वो सामने रखा गया था लेकिन कहीं ना कहीं जो मॉडरेट्स थे वो अभी भी अग्री नहीं करते थे मैंने कहा मॉडरेट्स में आप याद रखो आपके जो बुजुर्ग हैं खानदान के ठीक है तो उनको उनकी आइडियोलॉजी चेंज करना कितना डिफिकल्ट है तो कहीं ना कहीं वो अभी भी इस चीज उनकी चीजों से अग्री नहीं करते थे तो फाइनली जब ये स्वदेशियन बैकआउट मूवमेंट हो रही थी एंड सक्सेसफुल भी हो रही थी क्योंकि काफी जो है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे रहे थे फैक्ट्रीज आ रही थी स्कूल कॉलेज एजुकेशन में भी काफी बूस्ट हो रहा था तो वो क्या चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट वो चाहते थे कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट है इसको ही पूरे कंट्री वाइड फैलाएं लेकिन इस बात पे जो मॉडरेट्स है वो अग्री नहीं करते थे तो इस बात पे इनका थोड़ा लेके जो है प्रॉब्लम्स इशू होना स्टार्ट हो गए तो 1907 का सेशन भी याद रख लो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इसको बोलते हैं सूरत स्प्लिट हुआ था यहाँ पे दैट मीन सूरत में इस सेशन हुआ था और यहाँ पे कौन स्प्लिट हुए थे एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स ठीक है इसको मॉडरेट्स जो है उन्होंने अपना जो प्रेसिडेंट है वो चूज किया था रास बिहारी घोष राज बिहारी घोष ठीक है लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय या आपके जो बाल गंगाधर तिलक हैं ठीक है थीके? आपके जो एक्सट्रीमिस्ट है वो लीडर रहे या लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक लेकिन ये बात नहीं फाइनली मानी गई थी ये सेशन सूरत में हुआ और जो है इसके प्रेसिडेंट कौन रखे थे राज बिहारी घोष ठीक है यहाँ पे इनके बीच में अग्रीमेंट किसी एक अग्रीमेंट पे नहीं पहुंचे थे वो चाहते थे पूरे कंट्री में फैले ऑल तो बंगाल के अलावा भी एक दो जगह आपको सेंटर्स मिलेंगे मैड्रास में थोड़ा बहुत इसका असर देखने को मिला था दिल्ली में था बॉम्बे में था पंजाब में था ठीक है तो लेकिन वो चाहते थे पूरी कंट्री में हो मॉडरेट्स इस बात पे अग्री नहीं करते थे फाइनली स्प्लिट स्प्लिट किया गया था उसको हम सूरत बोलते हैं वो 1907 में हुआ था तो ये तीन सेशन आप याद रखोगे 1905 वाला हमने कहाँ पढ़ा हुआ था बनारस में हुआ था नाइनटीन वाला कहा हुआ था कैलकाटा में हुआ था एंड 1907 वाला कहा हुआ था सूरत में हुआ था इसको आप ऐसे करके याद रख लो सिक्स तो ऐसा दिखता है ना सी जैसा तो ये कैलकाटा हो गया एंड जो फाइफ है वो जल्दी क्या बन सकता है बी बी याद रख लो बनारस ठीक है फिर सी कैलकाटा सी के बाद क्या आता है डी तो उस वाले सेशन में कौन थे प्रेसिडेंट दादा भाई नेहरू जी बी का खुद ही कुछ भी करके याद रख लो गोपाल कृष्ण गोखले फिर सूरत का आपको याद रखना पड़ेगा राज बिहारी बोस तो ऐसे करके आप खुद ही ऐसे कुछ ट्रिक्स जो है हर चीज में निकाल सकते हो ताकि आपको एग्जाम में चीजें याद रहे आगे देखते हैं अब हमारे मॉडरेट्स भी अलग हो गए एक्सट्रीमिस्ट भी अलग हो गए ठीक है अब थोड़ा बहुत हम आप ये नाम देख लो एरिया एंड वहां के लीडर्स कौन थे कहाँ पे जो मूवमेंट है थोड़ी बहुत स्प्रेड हो गई थी आप आ, आपकी स्वदेशियन बॉयकॉट तो पूना एंड बॉम्बे में हुई थी पूना एंड बॉम्बे में आपको लीडर्स मिलेंगे बाल गंगाधर तिलक ये पंजाब में हुई थी पंजाब में आपको मिलेंगे लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह ये दो तीन सेंटर्स ही है पर आपको याद रखने हो सकता है एग्जाम में आ जाए डेली डेली में सईद हैदर रजा एंड देन योर मद्रास मद्रास चिदम्बरम पलई पिल्लई ठीक है तो ये कुछ नाम है आपको याद रखने हैं तो स्वदेशियन वर्कआउट मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी बेसिकली किस वजह से आपके एंटी पार्टीशन के अगेंस्ट वो कहाँ कहाँ स्प्रेड हुई कहाँ कहाँ हमने उसके असर देखे पूना बॉम्बे पंजाब डेही एंड मैड्रास में ठीक है बाद में लेकिन वो चाहते थे एक्सट्रीमिस हर जगह स्प्रेड हो पर वो नहीं हुई थी इवेंचुअली ये किसी एक अग्रीमेंट पे नहीं पहुंचे एक्सट्रीमिस एंड मॉडर्स एंड उनका स्प्लिट हुआ वो कब हुआ सूरत में हुआ सूरत का सेशन कब हुआ नाइनटीन में ठीक है एंड नाइनटीन वाला सेशन कब कहाँ पे हुआ बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले 1906 वाला सेशन सिक्स से रिजेंबलेंस रख लो कैलकटा सी के बाद डी दादा भाई नेहरू जी इसमें क्या किया था उन्होंने कहा स्वराज जो है वो हमारा ये होगा गोल होगा एम आई एन सी का एंड नाइनटीन हंड्रेड फाइव में इन्होंने क्या किया कंडेम किया इस पार्टीशन को एंड उन्होंने सपोर्ट किया ये जो स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी उसको ठीक है तो यहां तक हो गया आपका स्वदेशियन बर्यॉट क्या हो रहा था फ्रीडम मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि ब्रिटिशर्स का रिएक्शन इसमें गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या था अब हम देखते हैं गवर्नमेंट का इसमें क्या रिएक्शन था तो गवर्नमेंट ने इसको मूवमेंट <coughs> को खतरनाक तरीके से रिप्रेस करने की कोशिश की थी गवर्नमेंट रिप्रेशन तो जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है वो एक फॉलो करती थी पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट की उसको हम बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी एंड स्टिक होता है गाजर दिखा के किसी को पहले अपने पास बुलाओ बुलाने की कोशिश करो और उसको पहले आप क्या करते हो आप उसको रिप्रेस करने की कोशिश करते हो उस उसकी मूवमेंट को रोकने की कोशिश करते हो बाद पहले रिप्रेशन किया बाद में कुछ रिफॉर्म्स दे दिए कंसुलेटरी रिफॉर्म्स दे दिए उनको ठीक है एंड बाद में उस मूवमेंट को सप्रेस किया यही पॉलिसी फॉलो करते थे देखो अब मैंने आपको कहा सूरज स्प्लिट हुआ ठीक है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में क्योंकि वो चाहते थे कंट्री वाइड हो लेकिन मॉडरेट्स ये नहीं चाहते थे कंट्रीवाइड हो और वो क्यों नहीं चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि अभी जो मूवमेंट चल रही है अभी लेजिस्लेशन मतलब कोई ना कोई कॉन्स

अलग हो गए एक्सट्रीमिस्ट और आपके मॉडरेट्स उसके बाद कुछ रिफॉर्म्स लाए फिर जो रिफॉर्म्स लाए उसके बाद उन्होंने सप्रेस करने की कोशिश की अलग अलग एक्ट्स लगाए मीटिंग सेडिशस मीटिंग एक्ट लगाया जो मीटिंग्स के अगेंस्ट था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लगाया उसको मूवमेंट को ताकि सप्रेस ऐसे किया कि एक्सट्रीमिस्ट दोबारा से ऐसा कुछ ना कर पाए ठीक है आप वो सारे एक्ट्स आपको अलग से याद नहीं रखने ये बस मैं आपको बोल रही थी बैकग्राउंड उसका कि हुआ क्या था तो उन्होंने पहले इसको रिप्रेस किया फिर रिफॉर्म्स लाए वो रिफॉर्म्स किस फॉर्म में आए उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 मैंने आपको कहा ना जो इंपॉर्टेंट एक्ट है वो हम थोड़ी बहुत चीजें उसको उसकी देखेंगे यहीं पे ही मॉडलिम इंटो रिफॉर्म्स ये एक्ट्स काफी थे नाइनटीन का था सिक्सटीन का था ठीक है उससे पहले भी काफी एक्ट आए थे 1861 वाला एक्ट था बाकी एक्ट से आपको सारे नहीं पढ़ने लेकिन जो जो अब हमारे इस कोर्स में टाइम लाइन में कहीं कहीं पे जो इम्पोर्टेंट एक्ट में कोई चीज हुई थी कोई एक खास कीवर्ड कोई नया एक कॉन्सेप्ट किसी एक एक्ट में आया था वो हम देख लेंगे मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स इनको बोला जाता है जो मॉडले थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ठीक है एन मिंटो कौन थे ये हो गया मॉडल रिफॉर्म्स मिंटो रिफॉर्म्स में क्या इंपॉर्टेंट चीज आई थी सेपरेट इलेक्टोरेट की मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है दैट मीन्स जो मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम्स के लिए वोट करेंगे इसको हम सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते हैं ये चीज लाई थी प्लस इन्होंने क्या कहा था इन्होंने कहा था ठीक है हम जो वॉइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंपॉर्टेंट हो, होती है काफी कहा था जो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसमें इंडियंस को भी अपॉइंट करने का मौका दिया जाएगा एंड फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड इन दी वॉयसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो सतेंद्र नाथ सिन्हा सत्येंद्र नाथ सिन्हा First Indian to be appointed to the Viceroy's Executive Council. First Indian. जैसे हमारा ये हिस्ट्री कवर हो जाता है मैं इसकी भी रिवीजन सीरीज लाऊंगी अभी तो हम डिटेल में आप पढ़ रहे हैं फिर हम है एक टाइम लाइन में डिस्कस करके एक दो वीडियोस में सारा हिस्ट्री जो है कंप्लीट कर लेंगे लेकिन वो आपको तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा जब आप इन्हें एटलीस्ट ये लेक्चर्स देखे होंगे वो रिविजन सीरीज आने का मकसद क्या होता है एग्जाम से पहले काफ़ी हेल्पफुल रहती है आपके लिए वो सीरीज या अगर आपका सिलेबस एग्जाम से काफ़ी टाइम पहले कंप्लीट हो गया तो भी आप वो रिविजन सीरीज बार बार देख के क्या कर सकते हो ये सारा रिकॉल कर सकते हो तो 1909 में आप ये दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लो तो मैंने कहा गवर्नमेंट ने किया कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी ठीक है रिप्रेस करने की कोशिश की आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फिर रिफॉर्म्स देने की कोशिश की फिर मूवमेंट को सप्रेस कैसे किया इन्होंने काफी एक्ट लेके आए जैसे डिश मीटिंग एक्ट से मीटिंग एक्ट वगैरह क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ठीक है आप ये इंडिविजुअल एक्ट से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बस आपकी इसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बोल रही थी मैं सप्रेस किस तरीके से फिर करती थी इनका दरअसल यही एक ये था टेक्निक था इनका यही काम करने का ठीक है उसके बाद क्या हुआ अभी नाइनटीन नाइन एक्ट क्यों लाया था ताकि उनको कुछ रिफॉर्म्स देने थे ना कैरेट एंड स्टेक पॉलिसी थी कैरेट भी तो उनको प्रोवाइड करनी थी फिर लेकिन इंडियन सेटिसफाई नहीं थे इस एक्ट से क्योंकि जो उनको चाहिए था उनको वो नहीं मिला था लेकिन काफी हद तक सऊदेशियन बॉयकॉट मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल रही थी एंड फाइनली 1911 में क्या हुआ था ये डिसाइड किया था अनलमेंट ऑफ पार्टीशन कि हम पार्टीशन को रोकेंगे हम ये अब नहीं करेंगे ठीक है हम खत्म करेंगे इस पार्टीशन को एनल किया था एनलमेंट ऑफ पार्टीशन अब जो मुस्लिम हैं मुस्लिम्स जो थे अपर क्लास मुस्लिम्स खासकर अपर एंड मिडिल क्लास मुस्लिम्स उन्होंने स्वदेशियन बॉयकॉट मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था वो इसको सपोर्ट करते थे क्योंकि उनको मेजॉरिटी एरिया मिल जाता अगर ये पार्टीशन जो था होता था तो इस वजह से वो इस मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था हाँ स्टूडेंट्स ने वुमेन फोक ने लेबर्स वगैरह ने काफी अच्छे से पार्टिसिपेट किया था मुस्लिम ने नहीं किया था तो 1911 में जब एनलमेंट ऑफ पार्टीशन हुई तो मुस्लिम्स को भी लगा कि हमने इनको सपोर्ट किया तो उनको खुश करने के लिए कैलकटा जो जो में थी उस कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू तो डेली तो मुस्लिम्स खुद को डेली के साथ ही एसोसिएट करते थे पहले से ही वॉज शिफ्टेड तो टू नाइनटीन इन 1911 ये क्यों किया गया था ताकि मुस्लिम्स को भी वो मरम कर दें थोड़ा मलहम लगा दें उनके भी जख्मों पे कि चलो आपको कैपिटल वापस दे दी आपके अब डेली सेंटर में वापस आ गए आप लोग तो ब्रिटिश इंडिया में नाइनटीन से पहले कहाँ थी कैपिटल कैलकटा में ठीक है तो ये एनलमेंट ऑफ पार्टीशन हो गई और एक इम्पोर्टेंट चीज जो आपको यहां याद रखनी है कि लीडर्स के साथ क्या हुआ था आपके जो बाल गंगाधर तिलक हैं ही वॉज ट्राइड फॉर सेडिशन एंड वो सेंट टू मंडलिया जेल मंडलिया जेल इनको भेजा गया था 1909 में एंड उनको रिलीज किया था 1914 में तो जो बाल गंगाधर तिलक की कहानी है हम 1914 के बाद से देखेंगे फिलहाल इन पे फुल स्टॉप लगता है यहाँ पे तो ही वो ट्राइड फॉर सेडिशन सेडिशन क्या होता है बेसिकली अगर आप कुछ भी ऐसा काम या गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसा कुछ बोलो रिटर्न फॉर्म में या बोलो और बोलो, लोगों के अंदर थोड़ी बहुत नफरत हो जाए गवर्नमेंट के खिलाफ गवर्नमेंट एक नेगेटिव तरीके से जो है लोगों के सामने आए जो आपकी गवर्नमेंट होगी तो दैट पर्सन कैन बी ट्राइड फॉर सेडेशन ठीक है तो इन्होंने ऐसा क्या किया था इनका न्यूज था इंपॉर्टेंट केसरी जिसमें इन्होंने सपोर्ट किया था किस चीज को सपोर्ट किया था दरअसल नाइनटीन में ही क्या हुआ था एक बॉम्ब जो है वो बंगाल के जो रेवोल्यूशनरीज है उन्होंने वो फेंका था मुजफ्फरपुर में एज अ

इस वजह से इनको सेडेशन के लिए ट्राई किया गया था सिक्स इयर्स के लिए इनको जेल भेजा गया था तो इनको हम स्टार्ट करेंगे फिर 1914 के बाद इन्होंने क्या किया था और जो इंपॉर्टेंट लीडर्स आपके है और बिंदु घोष हमने देखा था और बिंदु घोष वो क्या किया था ही रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स इस इंसिडेंट्स के बाद रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स आपका जो सऊदेशियन बायकॉट खत्म होने के बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी एंड जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने फिर अब्रॉड से काम किया था ही लेफ्ट फॉर अब्रॉड तो ये यहाँ पे लिखने का क्या मकसद है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाते हैं कि ही जो अरविंद घोष थे उन्होंने क्या किया था ही रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स लाला लाजपत राय लेफ्ट फॉर अब्रॉड एंड तिलक जो है ही वॉज सेंट टू मंडलिया जेल इन नाइनटीन हंड्रेड नाइन वॉज रिलीज आफ्टर सिक्स एंड वॉज ट्राइड फॉर सेडिशन एक्ट ंगल्यूशनरीज एट मुजफ्फरनगर तो यहाँ पे क्या होता है आपका जो विद एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ये सारी चीजें आपका स्वदेशियन बाइकऑट वाला जो सारा वो मूवमेंट चली थी एक एंटी पार्टीशन वो स्टॉप हो जाती है अब मैंने आपको कहा हमें और दो चीजें पढ़नी थी दो फेजेस जो इसमें इंपॉर्टेंट आए थे बीच में होम रूल के एन आपके रेवोल्यूशनरी के टू फेजेस तो रेवोल्यूशनरी का फेज का क्या ईयर था आपका 1907 टू 1914 जो उसका फेज वन था तो अब हम वो देखेंगे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में क्या हुआ था और वो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म बेसिकली होता क्या है ठीक है तो लेकिन उससे पहले आई थिंक हम ये सारा जो हमने पढ़ा आज का वाला लेक्चर हम वो रिवाइज करेंगे पुराना रिविजन नहीं ये हो गया था पुराना रिवीजन 1906 से हमने स्टार्ट किया था तो लेट्स डू अ क्विक रिवीजन ऑफ दिस ताकि आपको जल्दी से सारी चीजें याद रहें लेकिन उससे पहले मैं एक बार ये जो कलर है वो चेंज कर देती हूँ तो कहां पे हुआ कैलकटा मैंने कहा सिक्स से सी रख ना, सी के बाद डी दादा भाई नेहरू जी वहां पे पहली बार इन्होंने क्या किया कांग्रेस का गोल क्या है आईएनसी का गोल क्या है स्वराज और योर सेल्फ रूल ठीक है फिर स्वदेशी जो थे वो चाहते थे जो ये मूवमेंट चली स्वदेशी एंड बॉयकॉट की एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कंट्री वाइड जो है इसको स्प्रेड करें लेकिन मॉडरेट्स इसके हक हाँ में नहीं थे ऑल वो अब जो है कांग्रेस में मॉडरेट्स की डोमिनेशन बढ़ रही थी लेकिन सॉरी एक्सट्रीमिस्ट की डोमिनेशन बढ़ रही थी नाइनटीन के बाद लेकिन उनकी आइडियोलॉजी अभी भी काफी जो थी वो अलग थी जिसका रिजल्ट हमें नाइनटीन में देखने को मिला सूरत स्प्लिट के रूप में जो सामने आया एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट जो है वो अलग हो गए एंड राज बिहारी घोष जो थे उस टाइम के प्रेसिडेंट थे ऑल एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे या तो लाला लाजपत राय बने या बाल गंगाधर तिलक बने

fine, गवर्नमेंट ने अब अभी तक हमने पढ़ा कि फ्रीडम फाइटर्स क्या कर रहे थे अब गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है कैट एंड स्टिक पॉलिसी तो उसके चलते इन्हें कुछ रिफॉर्म्स लाए थे वो रिफॉर्म्स किस चीज़ के साम, में, रूप में सामने आए थे आपके मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स मॉडल सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे एंड मिंटो वॉइस रॉय थे इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन भी बोलते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था दैट मीन मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम्स के लिए वोट करेंगे एंड आपके जो वॉइस रॉयस के एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें इन्होंने कहा था एक इंडियन एड हो जाएगा एंड फर्स्ट इंडियन कौन थे आपके सत्येंद्रनाथ सिन्हा तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है ये या आपको याद रखना है 1911 में इन्होंने डिसाइड किया कि हम एनल करेंगे पार्टीशन को ठीक है इसका जो पार्टीशन है वो हम खत्म करेंगे और डेली जो कैपिटल है इन्होंने शिफ्ट की थी तो डेली इन नाइनटीन उससे पहले कहाँ पे थी कैलकटा में ये इन्होंने क्यों किया था मुस्लिम्स को पेसिफाई करने के लिए क्योंकि मुस्लिम्स ने क्या किया था उन्होंने एंटी पार्टीशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था ठीक है और बाल फिर और तिलक के साथ क्या हुआ था इस मूवमेंट के बाद उनको मंडलाया जेल भेजा गया था फॉर सेडिशन उनकी राइटिंग्स जो थी केसरी में उसकी वजह से जो अरबिंदो घोष है ही रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स लाला लजपत राय Left for और एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई थी बीच में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ था मुस्लिम लीग तो कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने फाउंड किया था उन्होंने नहीं किया था वो पार्ट ऑफ आई एन सी एट फर्स्ट तो ये किसने किया था नवाब सलीमुल्ला ऑफ डेका नवाब सलीमुल्ला ऑफ डा ठीक है ये भी आप याद रख लेना ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें जो बीच में हुई थी ठीक है अब आगे चल के हमने क्या देखना है अब हम हमें देखना है रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म देखो रेवल्यूशन नेशनलिज्म हम थोड़ा देख लेते हैं उसका एक फेज एटलीस्ट हम अभी देखेंगे कहां तक हम पहुंचते हैं तो जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म थे ये आपके कौन से थे जो बिलीव करते थे वॉयलेंट मीन्स पे जैसे मैंने कहा बॉम्ब जो है वो फेंका गया था ठीक है तो ऐसी एक्टिविटीज जो है दैट वर अ पार्ट ऑफ योर रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इसको हम ट्रेस करते हैं 1907 हंड्रेड एंड सेवन

महाराष्ट्र इन्होंने स्टार्ट किया था रामोसी प्रेजेंट फोर्स रामोसी प्रेजेंट फोर्स इनका क्या था एक आर्म्ड ये चाहते थे टू तो गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश तो बेसिकली ये क्या है ये आपका रेवोल्यूशन नेशनलिज्म फेज यहाँ से स्टार्ट हुआ लेकिन कुछ वॉलेंट एक्टिविटीज जो उससे पहले भी हुई थी तो पहली होगी जो रामोसी पीजन फोर्स बना था जिसमें वा आर्म्ड स्ट्रगल वो चाहते थे ब्रिटिशर्स से आजादी चाहना ठीक है एटीन सेवेंटी में अगर ईयर्स ना भी याद रखो आप चलो आप ईयर्स नहीं याद रखो ये आपके लिए फिर एक्सेस हो जाएगा आप ये याद रख लो वासुदेव बलवंत फाटके इन्होंने स्टार्ट किया था ये महाराष्ट्र में थे महाराष्ट्र में इन्होंने सेकेंड हम देखते हैं सेकेंड नंबर पे चापरेकर ब्रदर्स चापरेकर ब्रदर्स जन दामोदर चापरेकर एंड बालकृष्ण चापरेकर इन्होंने क्या किया था दे मर्डर्ड द प्ले कमिश्नर मर्डर्ड प्लेड कमिश्नर ऑफ लैंड, रैंड एंड लेफ्टिनेंट आय तो बेसिकली प्लेग जो है बीमारी ये फैल गई थी एंड देन बाद में उसके लिए कमीशन सेटअप की गई थी ये सब कुछ देखने के लिए क्या कैसे क्यों हुआ था एंड उसमें काफी गलत गलत चीजें इन्होंने बोली थी रैंड ने आयरस ने एंड चापरेकर ब्रदर्स ने क्या किया था उनका मर्डर कर दिया था टेंशन ही खत्म है एक बारी ठीक है और एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाउंड हुई थी उसका नाम है अनुशीलन समिति अनुशीलन समिति एंड अन ये किसने फाउंड की थी प्रमोता मित्र ठीक है एंड आप याद रख लो फोर्थ प्रफुल्ला चक्की एंड खुदीराम बोस इन्होंने बॉम्ब जो है वो फेंका था ठीक है वही वाला बॉम्ब जो हमने पीछे पढ़ा ना जिसकी पे तारीफ की थी उसने आ, आ, बाल गंगाधर तिलक ने तो इन्होंने बॉम्ब फेंका था एक कैरेज पे जो मुजफ्फरपुर में जा रही थी जिसमें एक वाइट जज थे किंग्सफोर्ड जज ठीक और एक चीज याद रख लो हमने अभी अनुशीलन समिति देखा वो, वो फाउंडेड वो फा। बाय प्रमोदा मित्र और यहाँ पे है डक्का अनुशीलन डक्का अनुशीलन एंड इट वॉज फाउंडेड बायन दास बस इतना काफी है ठीक है ये जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई थी इसमें कुछ 1907 के बाद की से ये वाली जो है 1908 की है ठीक है बाकी जो है ये पहले हुई थी एटीन हंड्रेड्स की हैं ये मोस्टली ठीक तो ये सारी चीजें जो रेवल्यूशनरी एक्टिविटीज इंडिया में हो रही थी अब ऐसे पार्ट ऑफ हम देखेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हम रेवोलूशनरी नेशनलिज्म का फेज पढ़ेंगे नाइनटीन हंड्रेड सेवन टू नाइनटीन हंड्रेड सेवनटीन क्या हुआ था एंड उसके बाद देखेंगे मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का क्या हाल हो गया फिर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्न ऑफ इवेंट हुआ था हिस्ट्री में जब आपके महात्मा गांधी आए थे उसके बारे में देखना है ठीक है आई नो आपके लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन याद करना एंड ऑल दैट बट देन आप क्या कर सकते हो यू एनी अदर चांस आपको करना पड़ेगा एंड गोल्डन ऑपरचुनिटी है थोड़ा एग्जाम डिले होने के चांसेस हो गए इलेक्शन की वजह से तो जस्ट मेक मोस्ट ऑफ दिस टाइम ये नहीं सोचो कि टाइम ज्यादा मिला है तो यू हैव टाइम टू वेस्ट ठीक है ज्यादा टाइम मिलने का मतलब होता है यू कैन यूज दैट टाइम टू रिवाइज एंड टू स्टडी खासकर आपका जीके पोर्शन थोड़ा ड्राई है अंडरस्टैंड एंड इट विल रिक्वायर फ्रीक्वेंट रिविजन तो मैं रिविजन सीरीज इसकी भी लाऊंगी पर वो रिविजन सीरीज तभी हेल्पफुल रहेगी अगर आप मेरे आज के वीडियोज अच्छे से देखोगे फाइन तो पहले हमने सारा ये देखा रिविजन ये भी हो गया ये सारा मैंने आपको रिवाइज करवाया तभी आपको साथ साथ रिवाइज करवाती हूँ ताकि चीजें आपको याद रहें फिर हमने रेवोल्यूशनरी टेररिज्म की ऑर्गेनाइजेशन देखी ये आपको याद करनी है इसमें आपको और कोई ऑप्शन नहीं है वासुदेव बलवंत फाड़के राम प्रिजन फोर्स चापरेकर ब्रदर्स इन्होंने मर्डर किया था प्लाक कमिश्नर पूना प्लैक कमिश्नर पूना रैंड एंड आयरस्ट को प्रमोदा मित्र अनुशीलन समिति प्रफुल्ला चक्की एंड बोस इन्होंने बॉम्ब फेंका था एक कैरेज पे मुजफ्फरपुर में जो जा रही थी एंड दैट कैरेज वॉज कैरिंग एक वाइट जज किंग्स फोर्ड एंड पुलिन दास इज रिलेटेड टू डाका अनुशीलन ठीक है तो हो सकता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो वट आई विल डू मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे जहाँ पे सारी चीजें जो है मैंशन होंगी आपके याद करने के लिए पर अब अगर आप नोट्स में भी साथ साथ लिखोगे तो बेहतर रहेगा ठीक है तो टिल द टाइम आप लोग नेक्स्ट वीडियो बाय टेक हैव अ ग्रेट डे एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल एम जो कमेंट से बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं बाय बाय